प्यारे दोस्तों, हम भी सुपर हीरोज की तरह अपने अंदर तब्दीली लाकर सेहत और सफाई के पैगाम को फैलाकर सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस फिल्म में तीन बहादुर दुनिया को बदलने निकल पड़े। आइए इनका एडवेंचर देखते हैं। Yeah.
उफ, इतनी भयानक शक्ल। सूरत शायद तुम्हारी मुझसे बेहतर है, लेकिन फितरी खबासत में हम एक ही जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम गैबी ताकतें हासिल करके दुनिया को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते, और इसी मकसद के लिए तुमने आज उस बच्चे को अगवा करने की भी कोशिश की? तुम ये कैसे जानते हो? कौन हो तुम? जिन ताकतों की तुम्हें तलाश है वो मेरी गुलाम है। बाला, तुम हो? हमेशा तुम्हारे सब किस्से ही सुने थे। दुनिया कहती थी कि तुम कोई ख्याली किरदार हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। मुझे अपनी गुलामी में ले लो बाबा बालाम। दिखाकर हमें डरा सकोगे? दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। तुमसे तो मुझे पुराना हिस्सा भी चुकाना है। छोटी सी बस्ती से क्या फायदा उठा सकते हैं? छोटे छोटे इलाकों में जितने भी बड़े मसले पैदा हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं होता।
हमारे काम के लिए यही सबसे महफूज जगह है। क्या करेंगे हम यहाँ? तुम्हें ताकत चाहिए और मुझे इसकी हिफाजत। ये क्या है? ये है तमाम बुरी ताकतों की कुंजी। इसे हाथ लगाने की गलती कभी मत करना। ये सिर्फ मेरी जागीर है। तुम सिर्फ इसकी हिफाजत करोगे। हिफाजत? लेकिन किससे? जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना मंगू, जब तक ये कुंजी यहाँ है तब तक तुम्हारी ताकत बढ़ती रहेगी। इस कुंजी की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करनी होगी तुम्हें, वरना हर ताकत से महरूम हो जाओगे। मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगा। और इस तरह मंगू ने सच की एक आवाज खत्म करके लोगों के दिलों में अपना डर पैदा किया, और इसी डर ने उन्हें उसके सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। मंगू ने इस डर को हमेशा कायम रखने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जो बस्ती में लूट मार करते और मंगू की दहशत जमाए रखते। मंगू इस दहशत के पीछे अपनी शैतानी ताकतें बढ़ा रहा था। किसी ने कभी इसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना की, और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से रोशन नगर का नाम मिट गया और ये बस्ती अंधेर बस्ती बन गई। लेकिन अम्मी मैं तो बस उन गुंडों को बस कह दिया ना मैंने कि तुम इस टावर की तरफ ध्यान नहीं दोगे। चलो नीचे अब। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं कहीं और घर ले पाती। तुम भी ग्रुप ऑफ एट हो, स्ट्रांग बनो, स्मार्ट रहो। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, फ्रूट और प्लेन कपकेक, क्या क्या खाऊं? Thank you.
यहाँ पे। मेरा सूटकेस दो। हमें छोड़ो उसे और भागो यहाँ से। चढ़ो। वो भाग रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं। लेफ्ट साइड में यार। उनकी गोलियां खत्म करो। हमने बंदूकों में गोलियां नहीं डाली। मैंने तुम्हें कहा था गोलियां डालने को। अभी तुम्हारी बारी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब कहाँ भागोगी बच्ची? खेल खत्म हुआ बच्चों। कल क्या हुआ था? शायद हमने कोई ख्वाब देखा था। खेलते हुए आ गए होंगे और वैसे भी वो यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए। तुम नहीं जानते वो क्या ले गए हैं। उन बच्चों की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। वो नहीं बचेंगे। वो न बचे यही बेहतर है तुम्हारे बचने के लिए। जाओ ढूंढो उन्हें। यहाँ से आता है। अगर हम उसे किसी तरह से इस तरफ ले आए तो वो कहीं नहीं भाग सकेगा। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही वो सामने से अंदर आएगा हम पीछे से बकरी की आवाज निकालेंगे। हाँ? उससे क्या होगा? अरे यार बकरा तो बकरी की ही आवाज पे आएगा ना। छोड़ो यार, तुम्हारा नाम सन्नाटा है ना, तुम नहीं समझोगे।
ओए चपटे, वो आ गया। चल 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 जल्दी वहां से चल। क्या मैं निकालूं? अब जो बोले तो वही कुंडी खोले। मैं वो सुन रहा है। वो आ रहा है। हैं? ये रुक क्यों गया? चपटे, जरा कैरेक्टर में आके आवाज निकाल यार। मंगू स्टार गुस्से से भरा बैठा है और तुम लोग यहाँ बकरा बकरी खेल रहे हो। अगर कल शाम तक वो बच्चे ना पकड़े गए तो तुम सबके गले में रस्सी डाल के घास खिलाऊंगा। चूजा नजर आ गया है, पिंजरा तैयार कर लो। पहचान लिया है, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा फसीली, अब गौर से सुनो। तुम धीरे धीरे चलते हुए जाओगे उस बच्चे के पास। तुम दोनों हाथों से उस बच्चे को पकड़ोगे और उसे उठा के मेरे पास लाओगे। समझ आई? अंकल, ये कितने की है? 15 की 5। क्या? ये तो बहुत महंगी बता रहे हैं आप। थोड़ी ना सस्ती करें। मुझे भी चाहिए। सब कुछ आपका है, सब ले ले।
कौन सी बस? फेंकने की जगह है? थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम लोगों को पता नहीं आज क्या हुआ है मेरे साथ। मंगू के गुंडे ने तुम्हें भी पकड़ने की कोशिश की? कोशिश? उन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था। उनकी तो पहले मेरा सूटकेस चुराया, अब मेरे दोस्तों को पकड़ने की कोशिश। आज उनकी खैर नहीं। कामल अभी जोश से नहीं होश से काम लो। पहले हमें उनका पता लगाना है जिन्होंने हमें बुलाया और ये पावर दी। और शायद वो हमसे कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक बार जा सकते हैं तो दूसरी बार भी जा सकते हैं। तो जी आज शाम 7 बजे आप सब कामल दादा को भरपूर एक्शन में देखेंगे। इसे मैं मारूंगी या तुम? दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? हेलो गबरू, तुमने कुछ खाया? क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया? कोई बात नहीं, आज हम गबरू कैंडी खाएंगे और बहुत सारी खाएंगे। ये देखो अंधेरी बस्ती, गबरू कैंडी खाएगा। ये गबरू कैंडी 1 रुपए की 10। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सुना तुमने गबरू, आज हमारी बादशाहत है। गबरू अंकल रुकिए, गबरू भी टॉफी खाएगा। रुकिए रुकिए। शुक्रिया पाटन, अब देखो कामे दादा क्या है। बच्चा तुम लोगों से नहीं संभलता। बोरी तो धो डालते। बदबू से याद आया मुझे वाशरूम भी जा रहा है। तुम्हारे घर में वाशरूम है ना? वो लेट हो गया है। बड़ा डरपोक निकला, सुबह तो बड़े भरम दिखा रहा था। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और एक बच्चे को पकड़ लिया है, बाकी दो खुद ही आ जाएंगे और दूसरा आपके हुक्म के मुताबिक अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। जब मैं बोलूं तब भागना। ठीक है अब। अरे तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ यार, लगता है उस तरफ से आवाज आई है। हमें जाके देखना चाहिए। वो दोनों इतने बुद्धू थे?
शोर मचाता। बेगम साहिबा, पहले मैं आया था। नहीं नहीं, पहले मैं आई थी। अरे इसमें तो पानी नहीं आ रहा। क्या? मंगू के हुक्म से अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। मैं तो सिर्फ नहाना चाहता था। मुसीबत कर दी है इसने। यार कोई पूछने वाला नहीं है, सुना है वो मोटर से पानी खींच कर आगे भेज देता है। बंद करने का कहा था और हमने बेचना शुरू कर दिया। जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए। क्या बात है उस्ताद। सन्नाटा भैया, सीखो उनसे कुछ। हम तो पानी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मंगू को ये पानी बिजली वगैरह बंद करने से क्या फायदा होता है। वो तो हमेशा बड़ा हाथी मारता है। हमारे बड़े काम इन्हीं छोटे छोटे कामों के पीछे होते हैं। क्या मतलब? लोगों को इन मामूली मसलों में इतना उलझा दो कि वो हमारी किसी बड़ी हरकत की तरफ ध्यान ही ना दें। मंगू का यही मकसद है। हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें। हमें क्या करना उनके बड़े काम और इनके छोटे मसलों से। हमारी तो कमाई चालू है ना। तुम कैसे पकड़े गए? वैसे तो बड़े शेर बनते हो। मैं तो गुबरू से सब खेल रहा था, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। हम में से एक को बाहर रहना चाहिए था। अब तो फंस गए, निकलने की सोचो। सुनो, ये आवाज कैसी है? शायद मुझे पता है। वो देखो, पंखे के ब्लेड से कट के निकलेगा। मगर वो नहीं जो मेरी स्पीड से गुजरे। आमना, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रही हो? हजरत, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। We'll be right back.
बच्चे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पतीली। दादी नजर आ गया, मुझे आगे फेंको। अगर ये तो का ना लगा तो मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। मेरे पापा के लिए था और ये कामिल दादा के लिए है। ओए कामिल दादा, क्या मेरा ताज, तुम कहाँ थे इतने अरसे तक? कामिल दादा ने तुम्हें बहुत मिस किया। खुर्शीद साहब, आमना और सादी आपकी तरफ आए हैं क्या? नहीं जनाब, खैर तो है सब जी। बस वो आमना शाम को ये कहकर गई थी कि सादी और कामिल के साथ कहीं जाना है, सादी की वालदा भी परेशान है, लिहाजा मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ, सोचा कि आपकी तरफ आए हों दोनों। अरे जनाब, कामिल तो स्कूल से अब तक घर नहीं आया, दिन भर खेल कूद में लगा रहता है, आज आता है तो उसकी खबर लेता हूँ। मैं उन्हें पार्क की तरफ जाके देखता हूँ, शायद वहाँ हूँ। ठीक है जी। ओए छोटे, उस टेबल पर कपड़ा मारो और जाके ठंडा पानी रख जल्दी। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब आगे नहीं बढ़ना, जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले। उस पंखे में भेगो जल्दी। ये मंगू है।
लगता है टावर से आई है। कहाँ आ गए? बहुत ही अजीब जगह है। ये जन्नत है या जहन्नम? कैसी बातें कर रहे हो कामिल? मुझे लगता है ये पहली बार सही कह रहा है। हम उस मोटर के नीचे आ गए थे और अब ऊपर। घबराओ नहीं बच्चों। ना तुमसे कि अभी उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन अब लड़ सकोगे, उनके हर धुन का मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। आप चौकीदार नहीं है? चौकीदार ही हूं मैं, लेकिन इस कुंजी का जिसमें बेशुमार पावर्स है। कैसी पावर्स? जैसी तुम्हारे पास है वो ही पावर्स। यानी जो पावर्स हमारे पास हैं वो आपने हमें दी हैं। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों ने इन पावर्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। लिहाजा अब मैं तुम्हें मजीद पावर्स दूंगा ताकि तुम लोग मंगू का मुकाबला कर सको। अब कौन सी पावर मिलेगी? कौन सी पावर्स? से आगे तेरा जहान हो जाए। कामिल, तू कर ना कुछ ऐसे कमाल, जो देखे तुझे वो हैरान हो जाए। जिम्मेदारी ली और खूब निभाई भी। तुम कामिल को बचाने टावर गए, तेज धार पंखे से बेखौफ निकल गए और उन बच्चों को रेस लगाती बसों से भी खूब बचाया। बहादुर भी हो तुम हो बहुत तेज।
जीत ना पाए कोई कर वो तुमसे रे कर सकोगी तुम अब हर मुश्किल का सामना। एक खास तोहफा तुम्हें देता हूं अपना। वाओ मेरी पावर ज्यादा अच्छी है, ये देखो। सादी तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे स्पेशल पावर है और वो है नहीं, नहीं 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 इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें पहेलियां पूछने का बहुत शौक है, तुम्हारी नई पावर भी तुम्हारे लिए पहेली होगी। कायनात में छुपी एक अनदेखी दीवार, कोई ना जाने क्या है उसके पास, जो कुछ वहां गया वापस आया नहीं, फिर ना कहना शादी के कुछ समझाया नहीं। ब्लैक होल रोजनेसिया, जिसे अंग्रेजी जबान में ब्लैक होल भी कहा जाता है। बहुत खूब, पावर्स तो तुम तीनों को मिल गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई मंगू से नहीं बल्कि उस बुराई से है जो मंगू जैसे लोगों को बुरे कामों के लिए ताकत देती है। अगर तुमने उस बुराई को खत्म कर दिया तो मंगू खुद ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा जोश में आके कोई गलती मत करना, तुम्हारा जोश तुम्हारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। हर हाल में एक दूसरे की मदद करना, इत्तेहाद में ही तुम्हारी जीत है। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने देना। चलो बच्चों मेरा काम तो खत्म हुआ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, कब से हूँ? सादी होश में आओ। आमना तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ता बोलो, मेरे कान वैसे ही बज रहे हैं। मंगू इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है यार। गबरू हमें यहाँ से निकलना चाहिए और दीनू चाचा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। ओ बाबा जी, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त और अपने स्कूल के कपड़ों में क्यों? अच्छा अच्छा, कल सादी बताएगा आपको। मैं सादी से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गबरू बताएगा आपको। कामिल, आमना यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं कामिल को बचाने सादी के साथ टावर में गई थी, वहाँ मंगू और उसके गुंडों ने हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करके भाग गए। हम तीनों के पास एक एक सुपर पावर। खामोश, अपने बाप से झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें। लेकिन आमना मेरी बेटी है और मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका मतलब हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, इससे पहले कि मंगू और उसके गुंडे हमारे बच्चों का पीछा करें। बाबा जी मेरे कान तो छोड़ दे। शादी, ये जो पावर्स के बारे में सुना वो ठीक है क्या? जी अम्मी। कान खोल के सुन लो, ऐसी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। लेकिन अम्मी। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना किसी से डर के और ना ही अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में छोड़ के। बेटा तुम क्यों नहीं समझते कि आप भी तो समझें,
हमें ये पावर्स नेक मकसद के लिए मिली हैं, जुल्म को मिटाने और मजलूम की मदद करने के लिए। और अब ये मकसद एक जिम्मेदारी है हम पे, और अगर मैं इस जिम्मेदारी से भागा तो सारी जिंदगी सर नहीं उठा पाऊंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम नहीं जानते कि क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता बताएं मुझे। मैं जानना चाहता हूँ आखिर अब क्यों इस टावर से और उन बुजदिलों से इतना डरती है। अम्मी प्लीज प्लीज बताएं मुझे, कुछ तो बताएं। क्या वाकई उन बच्चों ने मंगू से पंगा लिया है और उनके पास सुपर पावर्स भी हैं? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे हैं, झूठ बोल रहे होंगे। ये सच है और अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, तुम लोग उन्हें निकालोगे नहीं बल्कि मेरे पास लाओगे। अगर ऐसा न किया तो फिर पूरी बस्ती को राख का ढेर बना दूंगा। भाई साहब आप ही कुछ समझाएं इसे, मेरी तो कोई बात नहीं सुन रही है। मेरे ख्याल में ये ठीक कह रही हैं। भले इन बच्चों को कोई पावर मिल भी गई हो लेकिन हैं तो ये बच्चे ही, सिर्फ इन पावर्स के भरोसे ये मंगू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाबा हम तो। तुम चुप रहो कामिल, अभी बड़े बात कर रहे हैं। आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके बच्चे आपकी मुखालिफत करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तीनों आम बच्चे नहीं हैं। इनमें कोई खास बात जरूर है जिसकी वजह से इन्हें ये पावर्स मिली हैं, और वो है इनकी बहादुरी। मैं भी शायद इन पावर्स पे भरोसा ना करूं, लेकिन हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना होगा। अगर आज हमने इनकी इस जोश और जज्बे को दबा दिया तो पता नहीं हमारी कितनी नस्लें यूं ही जुल्म सहती रहेंगी। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? इन बच्चों को मंगू के पास जाना होगा वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मारो इन्हें। अब आगे नहीं बढ़ना, जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले। Thank you.
नया पैक और लाल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। बिना ही हाथ साफ करोगे? लो बेटा पतली गली से, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। चलाओ तो बेहतर होगा। दिमाग से ज्यादा मेरा हाथ पांव चलाने का मूड है, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। तीन बहादुर और इतने बेवकूफ, खुद ही अपनी मौत के पास चले आए। रुको,
साल पहले बाप न कर सका वो आज बेटा करने आया है। क्या मतलब? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप का क्या अंजाम हुआ था? आज जान जाओगी। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा तुम्हारे बाप की तरह। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने दे। एक प्लान है, सुनो। ये हुई ना शादी दादा वाली बात। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। तुम लोग किसी भी तरह मंगू को यहाँ बिजी रखो, मुझे अपनी 100% पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जब तक हम मंगू के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। पीछे हट जाओ गबरू, अभी बहुत जोर से धमाका होने वाला है। Thank you.
जो मंगू जैसे लोगों को बुरे कामों के लिए ताकत देती है। ये पंजी? जाएगा एक बिजली कड़की है एक दूर।
इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन बाबा, हमें अपने असाइनमेंट के लिए अंदर जाके फोटोग्राफी करनी है। मैंने कहा ना, इसके आगे नहीं जा सकते। तुम लोगों को जो भी तस्वीरें लेनी है यहीं से लो। अंधेरा भी होने वाला है। क्या हो गया? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर? मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर कोई है। तुम तो ऐसे ही यार बस डरते रहते हो। कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। चलो चलो, जल्दी करो और वापस जाओ। Ha 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 ha!